हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए लाए हैं सीरियल अनुपमा का एक ज़बरदस्त नया मोड़। बाकी बद्दुआ का होगा अनुपमा के परिवार पर असर, अनुज के भाई की नाजायज़ औलाद की होगी एंट्री। अनुपमा स्पॉइलर अलर्ट। टीवी शो अनुपमा में आपने अब तक देखा कि शाह हाउस में पारितोष की वजह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और वनराज बा के गहने और बापूजी की सारी जमा पूंजी को दाव पर लगाने पर मजबूर हो गया है। दूसरी तरफ अनुपमा और अनुज की छोटी अनु छुट्टियों से आने के बाद माया नाम की औरत के गुणगान गाए जा रही है और ये बात अनुज और अनुपमा दोनों को ठीक नहीं लग रही। आने वाले एपिसोड में अनुपमा में काफ़ी कुछ ड्रामा देखने को मिल सकता है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा डिम्पी से शाह हाउस के बारे में पूछेगी, तभी बा का फ़ोन आएगा और वो कहेंगी कि उसे अनुपमा से बात करनी है और डिम्पी समर को बता देगी कि बा अनुपमा से मिलने घर पर आई है। बा अनुपमा को काफ़ी खरी छोटी सुनाती है। बा ने कहा कि शाह हाउस में जो लोगों की हालत हो रही है वो अनुपमा की वजह से हो रही है और वो जाते जाते शाह हाउस को बद्दुआ देकर गई है और अनुपमा कहेगी कि वो तोचू को सुधारने के लिए उसका साथ नहीं दे सकती। बा भी अनुपमा को जाते जाते अपनी बद्दुआ देती है कि उसका परिवार बिखर जाएगा। बा की बातें सुनकर अनुपमा काफ़ी दुखी हो जाएगी और खुद को समझाएगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अंकुश की नाजायज़ औलाद। वनराज बा को कहेगा कि उसने ऐसा क्यों कहा। वनराज बा को समझाने की कोशिश करेगा लेकिन बा नहीं मानती। बा कहेगी कि वो अनुपमा जैसी पत्थर दिल नहीं बन सकती है। वनराज समझाएगा कि अनुपमा ने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है तो उसे नहीं भूलना चाहिए। अनुज अपनी छोटी अनु को लेकर कुछ ज़्यादा ही अटैच दिखेगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या से मिलने के लिए उसका फोटोग्राफर दोस्त घर से बाहर तक आ जाएगा और वनराज को यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। वर्खा भाभी बताएगी कि अंकुश की नाजायज़ औलाद भी है। तो ये थे सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट अपडेट। ऐसे और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।